वेलकम बैक हम सब इंडिया में उटाको कल्चर को ब्लूम होता देखना चाहते हैं और ये करने के लिए आपको लीगल साइट्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता कि हम किसी भी साइट का सब्सक्रिप्शन ले बट देर इज वन कैन वॉच लीगली एंड यूट्यूबर फॉर टेन एनिमी टेंड्रय गर्ल एक स्लाइस ऑफ लाइफ स्कूल एंड कॉमेडी जॉनरे का एनिमे है ये एनिमे यूकी शीरो ननाको नाम की लड़की आरोप है जो की बहुत सुंदर शांत और गर्ली है लेकिन वो दूसरों ऐसी कम्युनिकेट नहीं कर पाती है इसीलिए वो अपनी सारी बातें लिख कर लोगो को बताती है इस एनिमे का प्लॉट एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक स्टोरी लाइन को फॉलो करता है जहाँ हमें ननाको के क्यूट एफर्ट देखने मिलते हैं की कैसे वो अपने क्रैश को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है ये एनीमे सिर्फ ट्वेल्व एपिसोड्स का है और इसका हर एक एपिसोड सिर्फ बारह मिनट का है इसीलिए आप इसे एक ही बार में बैठ कर बिंच कर सकते हो ऑन द नाइन्थ नंबर सर वैम्प सर वैम्प एक एक्शन कॉमेडी सुपर नेचुरल और वेम्पायर जॉनरे का एनिमे है जो कि year 2016 में रिलीज हुआ था ये में माहिरू शिरोटा के बारे में है जिसकी मॉम की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में और इसी वजह से उसे बहुत सारी हार्डशिप का सामना करना पड़ता है और बिल्ली मिलती है और वो उस बिल्ली को अडोप्ट कर लेता है कुछ समय बाद शिरोटा को पता चलता है की वो बिल्ली एक्चुअली में एक तरह की सर्वेंट वेम्पायर है सर्वेंट वेम्पायर या फिर सरवे वो टाइप के वेम्पायर होते है जो कि सिर्फ अपने मास्टर के थ्रू खून पीते हैं और खून पीने के लिए अलग से हंट नहीं करते इन दोनों कैरेक्टर्स का इंटर काफी फनी है और इस एनिमे के एक्शन सीन्स भी लाजवाब हैं और अगर आपको म्यूज एशिया पर थोड़े एक्शन एनिमे देखने हैं तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है ऑन द नंबर एंड यू थॉट ऑनलाइन एंड यू थॉट देर इज एंड गर्न ऑनलाइन एक गेम कॉमेडी रोमांस एंड एच ऑनरे का एनिमे है जो की रिलीज हुआ था ये स्टोरी है अबाउट गेमिंग इंटरनेट कल्चर एंड ऑनलाइन फ्रेंड्स जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वो सेम स्कूल से हैं इस एनिमे का मेन कैरेक्टर निशिमुरा जिसका इंटरनेट पर नाम रशियन था गेम में एक लड़की आको से शादी कर लेता है कुछ समय बाद रशियन की पूरी गिल्ड एक ऑफलाइन मीटअप करती है और उस मीटअप के बाद उसे पता चलता है कि उसके सारे गिल्ड मेट्स इंक्लूडिंग आको एक लड़की है और ये सब के सब सेम स्कूल में ही जाते हैं आको एक ऐसी लड़की थी जिसे रियलिटी और गेम के बीच में डिफरेंस करने नहीं आता था इसीलिए उसे ऐसा लगता था की निशिमुरा उसका रियल लाइफ में भी हासिल Spend है, और इसी लूप होल से उसे निकालने के लिए सभी कैरेक्टर्स एक साथ में लग जाते हैं ये मेरे लिए एक गिल्टी से कम नहीं और कई पॉइंट्स पर तो मुझे ये हल्का ऑन द सेवेंथ नंबर स्लेयर स्लेयर एक एक्शन फैंटेसी एंड एडवेंचर जॉनरे का एनिमे है जो की रिलीज हुआ था ये एनिमे आर सेवेंटीन प्लस वायलेंस है जिसका मतलब होता है इसमें कुछ डिस्टर्बिंग या फिर एडल्ट सीन्स हो सकते हैं और ये एनिमे बच्चों के देखने लायक नहीं है है स्लेयर का प्लॉट एक ऐसे यूनिवर्स में सेट अप किया गया जहाँ गॉबलिन नाम की एक डीमन स्पीसी रहती है जो की छोटे गाँव पर अटैक करके वहाँ की फीमेल्स को उठा ले जाती थी फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस इस एनिमे की मेन कैरेक्टर जो की एक प्रीस्टेस है उसे भी एक गॉबलिन ने उठा लिया था लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ भी कर पाए एक ब्यूटीफुल इस एनिमे का एडवेंचर स्टार्ट होता है जहाँ गॉबलिन स्लेयर अलग अलग गॉबलिन में जाकर गॉबलेंस का सफाया करता था ये एनिमे काफी फेमस है और अगर आपको गौरी टाइप एनिमे पसंद है तो इसे भी आपको अपने लिस्ट में एड कर लेना चाहिए ऑन द दिक्सथ नंबर वेलकम टू द डीमेन स्कूल वेलकम टू द डीमे स्कूल एक कॉमेडी सुपरल और फैंटेसी जॉनरे का एनिमे है जो की रिलीज हुआ था यह भी एक टिपिकल डीमरे का एनिमे है जहाँ एक चौदह साल का बच्चा इरुमा सुजुकी अपने इन रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स की वजह से बहुत सी हार्डशिप फेस करता है और उसे जीने के लिए बहुत से अलग अलग काम करने पड़ते थे एक दिन अचानक वो एक डीमेन वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी सोल एक सोलिविन नाम के डीमन को बेच दी है और सोलिविन उसे अपना ग्रैंडसन बनाना चाहता है विद नो चॉइस लेफ्ट इरुमा को वहीं डीमन वर्ल्ड में रुकना पड़ा ओवरऑल आई रियली लव दिस एनिमे ये एनिमे आपको कई बार देखने में बोकुनो हीरो एकेडेमिया की भी याद दिलाएगा स्पेशली इरुमा तो आपको डेफिनेटली मिटोरिया की याद दिलाएगा एंड आई रियली गिव इट अ हेड्स अप फॉर यू ऑल टू वॉच इट ऑन द फिफ्थ नंबर द गॉड ऑफ हाई स्कूल द गॉड ऑफ हाई स्कूल अभी लास्ट समर में ही रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी मार्शल आर्ट्स एंड सुपर नेचुरल जॉनरे का एनिमे है जो की ओरिजिनली फेमस कोरियन मानवा द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एनिमे अडेप्टन है अगर आपको मानवा और वेबटून के लिए रिकमेंडेशन चाहिए तो आप हमारी टॉप टेन वेबटून वाली वीडियो भी देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गॉड ऑफ हाई स्कूल एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है जो की कोरिया के बेस्ट हाई स्कूल मार्शल आर्ट के लिए ओपन है जिन मोरी जो कि एक टाइकोंडो एक्सपर्ट है वो भी इस टूर्नामेंट में पार्ट लेता है

उट ए डाउट फेमस एंड टॉपरेटेड एनिमे सीरीज और साइतमा के टकले के चर्चे हर जगह हैं पूरी कम्युनिटी में सबसे सेंसलेस डिबेट को आगे बढ़ाते हुए कैन कैंसोमा बीट गोकू म्यूसेशिया ने भी इस एनिमे का फर्स्ट सीजन लीगली अवेलेबल कर दिया है अब मोस्टली आप लोग तो ये ना देखो पर आप अपने ताकि वो भी इस आसम कॉमिक एनिमे को देख पाए और इस मोरनिक डिबेट में अपना सहयोग दे बिफोर मूविंग ऑन टू द्री फोर गेट लाइक एंड सब्सक्राइब दिसल फोर मोर सच आसम रिकमेंडेशन एंड नाउ मूविंग ऑन टू द एनिमे ऑन थ्री Gakugan, Gakugan, इस एनिमे में आपका मिलेगा एक क्यूट बच्चा एक और क्यूट बच्चा एक और क्यूट बच्ची दो क्यूट ट्विन उसके साथ ही साथ दो हस्बेंडो मटेरियल लड़के बहुत सारी हॉट मिल्क आई मीन मम्मिया और ट्रैप्स ये एनीमे जितना कॉमेडी है उतना ही होलसम है और मुझे इस पूरे एनीमे में बस उन बच्चों का गाल खींचना है कितने क्यूट है एनीवेज <laughs> ये स्टोरी दो भाइयों के बारे में है जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो इन्हें एक स्कूल की प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लेती है स्कूल की प्रिंसिपल ने इन्हें इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि ये टीचर्स के बच्चों को कर सके बेसिकली बेबी सेटर का पैसा बचा रही थी आई लव दिस एनिमे एंड आई रियली थिंक चाहे आप किसी भी एज या फिर जेंडर के हो आपको ये एनिमे कभी भी बुरा नहीं लग सकता है सो गो वॉच इट राइट नाउ ऑन द नंबर टू दैट टाइम आई रिकॉन ज ए स्लाइम दैट टाइम आर रिकानेटेड एस अम एक फैंटेसी और शोन जॉनरे का एनिमे है जो की रिलीज हुआ था ये एनिमे इसकाई एनिमेज सातोरों में कमी एक थर्टी सेवन ईयर ओल्ड सैलरी मैन रहता है जो की अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहा रहता है लेकिन बेकार में एक झगड़े में फंस कर वो काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है एंड द नेक्स्ट थिंग ही नोज इज दी आ है, और इस इसे आप कम्पेयर कर सकते हो दिस एनिमे इज वेरी फंड टू वॉच एंड इट्स कम्प्लीटली ऑसम और अपेन्टली आपको ये एनिमे मिस नहीं करना चाहिए सो डू चेक इट आउट ऑन नंबर वनका Hioka, 2021 में रिलीज हुआ एक मिस्ट्री एंड स्कूल जनरे का एनिमे है ये कहानी है एक एनर्जी कंजर्वेटिव कैरेक्टर के बारे में कॉल्ड होतारू ओरेकी। और का कैरेक्टर आपको काफी हद तक हिकिकाया हाचीमान जैसा भी लग सकता है इस स्टोरी की स्टार्ट होती है विद फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जहां होतारो एक्सप्लेन करता है कि क्यों लोगों को रोज कलर कैंपस लाइफ जीना पसंद है और क्यों वो अपने ग्रे कलर स्कूल लाइफ में खुश है ये एनीमे एक अमेजिंग डायलॉग स्कीम के अराउंड रिवॉल्व करता है जहां आपको होतारो की आइडियोलॉजी सुनने मिलती है और वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी एंड ऑफ कॉर्स हाउ के चितानदा एरु इस एनीमे की सेकेंड प्रोटैगनिस्ट है और वो बहुत बुके स्मार्ट है और एक बहुत ही ज्यादा क्यूरियस माइंड वाली भी उसके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं और वो अपने हर क्वेश्चन का आंसर सर्च करना बहुत पसंद करती है और इसी वजह से होतारू और चितानदा अपने कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर एक फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड मिस्ट्री को सॉल्व करने निकल जाते हैं This is a very brilliant story and also a piece of work when it comes to dialogues and interaction. और इसी वजह से ये हमारी लिस्ट के नंबर वन पर है आई एम नॉट गोइंग टू कोट दिस बट म्यूस एशिया पर मेजोरिटी एनिमे सीरीज ट्रैश है और वर्थ वॉचिंग नहीं है ये लिस्ट बनाने के लिए मुझे हर एक एनिमे देखना पड़ा था और तब जाकर मैंने ये लिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है अन् थिंग प्लीज डू नॉट पायरेट एनी ऑफ दीज एनिमे सीरीज आप सीधा जाके म्यूस एशिया के चैनल से ही इन सीरीज को देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि आपके और भी ओटाकू फ्रेंड्स लीगली एनिमे को इंडिया में सपोर्ट कर पाएल एज well जैसे जैसे म्यूज एशिया पर और अच्छे अच्छे आनी रिलीज हो जाएंगे इस वीडियो का पार्ट टू भी निकल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माता ने